हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंचल टेक में। सो आज डे थ्री है और आज हम आर्डिनो यूनो डिवाइस के हार्डवेयर पार्ट के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने पहले से ही एक चार्ट बना रखा है। सो इसमें वन से लेकर 17 कंपोनेंट्स है। तो ये पूरा 17 कंपोनेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी स्टेप्स स्किप मत करो, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, सो एक एक कंपोनेंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है हमारा आर्डुइनो बोर्ड, हाँ आर्डुइनो यूनो। तो इसका हम एक एक पार्ट्स को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने पहले से ही एक चार्ट बना के रखा, हार्डवेयर पार्ट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्डुइनो यूनो। फर्स्ट डीसी पावर जैक, नंबर टू टू कैपेसिटर्स, थ्री वोल्टेज रेगुलेटर, 416 एम हर्ट्ज क्रिस्टल, 5 यूएसबी पोर्ट, 680 मेगा 16 U2, 7 RXTX LEDs, 8 LNM LEDs प्रेजेंट इन 13 नंबर पिंस, 9 नंबर ऑन इंडिकेशन LED, 10 नंबर रिसेट बटन, 11 नंबर पावर सोर्स, 12 नंबर एनालॉग पिंस, 13 नंबर डिजिटल पिंस एंड 14 नंबर 80 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर एंड 15 नंबर I2C कम्युनिकेशन, 16 नंबर टू मेन ICs, 80 मेगा 328 एंड नंबर टू 80 मेगा 16 एंड नंबर 17 इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हेडर। फर्स्ट वन डीसी पावर जैक, देखो डीसी पावर जैक ये है, हाँ, जो कि 7 से 12 वोल्ट तक डीसी लेता है। ठीक है, देखो जो आर्डुइनो यूनो है ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। नंबर टू, टू कैपेसिटर्स है इस डिवाइस में, टू कैपेसिटर्स आर दिस एंड दिस, टू कैपेसिटर्स। ठीक है, ये दो जो कि डीसी वोल्टेज को फिल्टर करते हैं। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद देखो वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर कहा है, देखो यहाँ पर ये, हाँ ये वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि 7 और 5 वोल्ट तो लेता है, हाँ, बट उसे कन्वर्ट करते हैं 5 वोल्ट में। ठीक है, नंबर 4 पे 16 एम हर्ट्ज क्रिस्टल ये। ठीक है, जो कि 16 मिलियन ये, जो कि 16 मिलियन टाइम वाइब्रेट करता है पर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद देखो यूएसबी पोर्ट, नंबर 5 पे यूएसबी पोर्ट, नंबर 5 जो कंपोनेंट्स है वो है यूएसबी पोर्ट ये यूएसबी पोर्ट जो कि टाइप बी टाइप कनेक्टर होता है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट इसका, हाँ ये टाइप बी होता है। ठीक है, ऐसे, और ये यूएसबी वो कंप्यूटर से लगता है, और ये यूएसबी टाइप बी जो कि यूनो आर्डुइनो यूनो में सेट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या करता है, टाइप बी कनेक्टर कनेक्ट विथ पीसी एंड लैपटॉप। ठीक है, उसके बाद देखो 80 मेगा 16 U2 एक माइक्रो कंट्रोलर है, 80 मेगा ये कौन सा ये। ठीक है, 80 मेगा 16 U2
यहाँ पर लिखा है। हाँ तो ये एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर है 80 मेगा 16 U2 जो कि USB पोर्ट से के राइट साइड में है। हाँ इट इज दिस इज टाइप ऑफ IC। हाँ सो IC टाइप और स्क्वायर शेप देखो। और ये क्या करता है कि डेटा जो डेटा है और प्रोग्राम जो USB पोर्ट से हम डालते हैं इसमें, सो उसके बाद ये कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है अपने लैंग्वेज में, माइक्रो कंट्रोलर जो है इसके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ये इसके काम है। ठीक है, उसके बाद देखो 7 नंबर इसके जस्ट बगल में देखो RXTX। हाँ RXTX LEDs, ये LEDs होता है। RX का मतलब रिसीविंग डेटा एंड TX का मतलब ट्रांसमिटिंग डेटा। तो ये क्या करता है, मेनली रिसीव एंड ट्रांसमिट पर्पस के लिए यूज होता है। दिस टाइम क्या होता है, LED ब्लिंक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 कंपोनेंट्स, एल नेम LED इन 13 नंबर पिन। तो देखो एल नेम LED 13 नंबर पिन, ये हाँ एल नेम LED 13 नंबर पिन RXTS के जस्ट ऊपर, ये RXTS ये LED। हाँ तो ये जब हमारे पास एक्सटर्नल LED नहीं होता है तब ये काम आता है। ठीक है, तो इसी से हम 13 नंबर पिन सेट करके प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट देखो 9 नंबर, ऑन इंडिकेशन LED, ऑन इंडिकेशन LED, ये जो है ये ऑन इंडिकेशन LED मतलब ये 5 वोल्ट LED है। ठीक है, ये जब बोर्ड ऑन होता है तो ये ब्लिंक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेट बटन 10 नंबर कंपोनेंट्स, ये जो बटन है ये रिसेट बटन है। ठीक है, ये जब प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम डालते हैं इसमें इस माइक्रो Arduino डिवाइस में, तब इसको हम फिर से रिसेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर कंपोनेंट्स है, वो है पावर सोर्स। ठीक है, पावर सोर्स ये है, ये 11 नंबर कंपोनेंट्स, ये सब हो गया, 2 कैपेसिटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर, 16 मिलियन हर्ट्ज क्रिस्टल, 5 USB पोर्ट, 1680 मेगा, 7 RXTX LED, 8 LNM LED, प्रेजेंट ऑन इंडिकेटर LED, रिसेट बटन, पावर सोर्स देखो ये जो है, ये देखो पावर सोर्स 8 पिन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8वां पिन तो ये पावर लेने के काम आता है। ठीक है, पावर। नेक्स्ट एनालॉग पिंस देखो, पावर सोर्स के जस्ट बगल में ये 6 एनालॉग पिंस होते हैं। सो ये इनपुट लेता है एनालॉग टाइप लाइक 0 to 5 वोल्ट का DC लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो 13 नंबर कंपोनेंट्स, डिजिटल पिंस, ये सब डिजिटल पिंस है। ठीक है, 14 डिजिटल पिंस मतलब 0 से लेकर 13 तक, 0 1 2, सो 13, 0 to 13, सो 14 पिंस होते हैं। ठीक है, ये किस काम के लिए, डिजिटल सिग्नल के लिए, मतलब एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड, 14 डिजिटल पिंस आउटपुट में होते हैं, तब ये पावर सोर्स के काम होते हैं, और 5 वोल्ट 40 मिली एम्पियर प्रोवाइड्स करते हैं। ठीक है, जो कि एक LED को ब्लिंक करने के लिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो 14 पिंस है जब सेट होते हैं इनपुट में,
इनपुट तब ये रीड्स करता है डिजिटल सिग्नल्स को एंड इसको भेज देते हैं माइक्रो कंट्रोलर के पास। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक टिल्ट साइन दिया हुआ है, ये ठीक है। तो ये डिनोट्स करता है कि PWM, डिनोट्स करता है PWM, PWM का फुल फॉर्म है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ठीक है, जो कि 6 पिन्स में होते हैं आउट ऑफ 14 पिन्स। ठीक है, वो किस किस पर देखो, 3 पर, 5 पर, 6 पर, 9 पर, 10 पर और 11 पर। ठीक है, उसके बाद देखो 14 नंबर कंपोनेंट्स, 14 नंबर कंपोनेंट्स 80 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर, ये जो मेन, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ आईसी। ठीक है, जो कि ये जो पूरा कंपोनेंट ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें 28 पिन है और इसको ओवरऑल ब्रेन कहा जाता है पूरे बोर्ड का। ठीक है, मतलब ये जो है ये माइक्रो कंट्रोलर ऑल फंक्शंस, सब फंक्शंस ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ सेक्शन होता है ये माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, वो फोर्थ सेक्शन क्या है, एक सेक्शन जो माइक्रो कंट्रोलर है 14 नंबर का, ठीक है, इसका फोर्थ सेक्शन होता है, एक होता है फ्लैश मेमोरी 32 KB, ठीक है, और टू होता है एस रैम 2 KB, ठीक है, और थ्री होता है सीपीयू, और फोर ईईपी रॉम। ठीक है, 1 KB। सो देखो इसका अलग अलग फंक्शन है इस सेक्शन में, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका जो फोर्थ सेक्शन है, फर्स्ट फ्लैश मेमोरी 32 KB, ये क्या करता है कि ऑल प्रोग्राम को स्टोर करता है। ठीक है, और जो एस रैम 2 KB, ठीक है, स्टैटिक टाइप रैम, वो रन टाइम मेमोरी, ये रन टाइम मेमोरी है। ठीक है, और सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का जो काम है फेच करता है कोड को फ्लैश मेमोरी से, इस मेमोरी से, फ्लैश मेमोरी से, हाँ, फेच करके और उसे रन करते हैं इसके मदद से, एस रैम के मदद से। ठीक है, उसके बाद देखो 4 नंबर ईईपी रॉम 1 KB, ईईपी रॉम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ये टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है I2C कम्युनिकेशन। सो ये जो देखो, ये पहला जो दो पोर्ट है, मतलब दो पिन है 1 और 2, ये 1 और 2, ठीक है, मतलब I2C मतलब I2C, इसका फुल फॉर्म है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन बस है एक, हाँ, डिजिटल पिन के ऊपर होते हैं, जो कि ये जो 14 डिजिटल पिन है इसके ऊपर होते हैं, हाँ, ये दोनों, इसके 14 डिजिटल और ये ग्राउंड सेक्शन दो छोड़ के ये पहला दोनों। ठीक है, और देखो 16 नंबर, ये तो हो गया 15, 16 नंबर 2 मेन ICs होते हैं इसमें, इस बोर्ड में, एक हो गया 80 मेगा 328 और एक 80 मेगा 16। ठीक है, ये 80 मेगा 16, ठीक है, 80 मेगा 16 और ये 80 मेगा 328, ये दो टाइप आईसी होता है मेन। ठीक है, और इसमें इन सर्किट 70 नंबर कंपोनेंट, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हेडर। ठीक है, इसमें टू टाइप्स है, देखो ये
और ये, ठीक है। ये टाइप देखो, टाइप वन टाइप, टाइप टू टाइप। दिस पॉड 80 मेगा 16 के लिए, ठीक है, और दिस पॉड 80 मेगा 328 के लिए, ठीक है। ये सब हेडर पिन है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।